मेरा नाम ज्योति है और मेरी उम्र 24 साल है। मेरे पति दूसरे शहर जा रहे थे जब उन्होंने खासकर मुझसे बोला कि मेरे छोटे भाई का ख्याल रखना। वह सिर्फ 12 साल का था। मैं मान गई। अब मैं उसे रोज स्कूल छोड़ने जाती और लेने भी आती और रात को वो मेरे ही कमरे में सोता। जब एक दिन मेरी मुलाकात उसके सर से हुई तो मैं यह देखकर डर गई। वो मेरा पुराना आशिक था। मैं घर वापस तो आ गई लेकिन यह बात मेरे देवर को पता चल गई। वो अब मुझे बार बार ब्लैकमेल करता कि वह भाई को बता देगा अगर मैंने उसकी शर्त पूरी नहीं की तो। वो मैं समझी कि वो मुझसे पैसे मांगेगा या फिर कोई चीज, लेकिन मेरी जान निकल गई जब उसने मुझसे कहा कि मेरी शादी को अभी 4th महीना ही हुआ था। जिंदगी बहुत ज्यादा हंसी खुशी गुजर रही थी। मेरे घर में हम सिर्फ 3 ही लोग थे, मेरा पति और मेरा देवर। एक दिन मेरे पति को जॉब के सिलसिले से बाहर दूसरे शहर जाना पड़ा और वो मुझे कहकर गए कि मेरे भाई का ख्याल रखना। और मैंने अपनी मोहब्बत का इम्तहान दिया और मैं अपने देवर का बहुत ख्याल रखती थी क्योंकि वह बच्चा था और मुझे शुरू से ही बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मैं उसे खुद स्कूल छोड़कर आती और फिर छुट्टी के वक्त खुद ही उसे लेकर आती। स्कूल मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। मुझे आने और जाने में बस 20 मिनट ही लगते थे, लेकिन मैं इस बात से हैरान थी कि यह बड़ा हो रहा है। लेकिन मेरे पति को न जाने क्या परेशानी थी, वे बात समझते ही नहीं थे। उनके भाई को बड़ा हो जाना, ये खुद अपना ख्याल रखना चाहिए, लेकिन वह यह बात समझने की कोशिश ही नहीं करते कि मेरा भाई अब बड़ा हो गया है, उसे खुद अपना ख्याल रखना चाहिए। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता कि उन्हें किसी और से खतरा है, तभी वो अपने भाई को ऐसे छुपा छुपा कर रखता है। लेकिन मैंने इस बात पे कोई ज़्यादा बहस नहीं की और फिर मैंने अपने पति का ख्याल रखते हुए मैंने भी अपने देवर का ख्याल ऐसे ही रखना शुरू कर दिया जैसे मेरे पति रखते हैं, जैसे वो कोई छोटा बच्चा है। मैं जब एक दिन उसे स्कूल छोड़ने गई तो कोई स्मार्ट सा इंसान अंदर स्कूल में जा रहा था। उसे देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई क्योंकि वो कोई और नहीं, वो तो मेरा पुराना आशिक था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये यहाँ कैसे, वो तो मर चुका था कुछ साल पहले, तो फिर ये यहाँ कैसे और वो भी जिंदा सही सलामत मेरे सामने कैसे खड़ा है। मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। यह सब कैसे हो गया, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी और उसकी मुलाकात यहाँ यूँ ऐसे बीच रास्ते पे हो जाएगी। जिंदगी के ऐसे मोड़ पे वो मेरे सामने ऐसे कैसे आ सकता है, वो मुझे इस तरह से कैसे मिल सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो तो एक हादसे में इस दुनिया से, मुझसे इससे आगे कुछ सोचा ही नहीं गया और मैं शिवम मतलब कि अपने देवर को लेकर अपने घर आ गई। और जब मैं घर आई तो मेरे पसीने छूटे थे। शिवम मेरे पास आया और आकर पूछने लगा, भाभी तुम्हें क्या हुआ है। जब तुम्हें मैं पूछ रहा था तो उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने जल्दी से अपना चेहरा नीचे कर लिया ताकि उसे मेरे राज का पता नहीं चल जाए। वो अभी तक मेरे पास ही खड़ा था। उसने मुझे पानी दिया, मैंने उसके साथ से पानी का ग्लास ले लिया। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पे पड़ी, मेरे तो हाथ से पानी का ग्लास दूर जाकर गिरा क्योंकि शिवम के देखने का अंदाज बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मैं ये समझू कि यह कोई 12 साल का लड़का है। वो बहुत ही ज़्यादा प्यासी नज़रों से मुझे देख रहा था। मैं इतनी ज़्यादा बेचैन हो गई कि मैंने उसका हाथ बाजू से पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और अपने कमरे की कुंडी लगा दी। मैं जब बेड पे बैठी हुई थी तो मेरे जिस्म कांपने ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं तो बहुत बुरी तरह से कांप रही हूँ। मेरे लिए यह बात बर्दाश्त से बाहर थी कि मैं एक 12 साल के लड़के से इस कदर डर गई हूँ। लेकिन मैं क्यों डर रही हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, मैं इस तरह से डरूँ, मैंने अपने दिल से खुद ही सोचा और फिर खुद ही अपने दिमाग से डर निकाल कर फेंक दिया।
फिर यह सोच मुझे परेशान करने लगी, आखिर क्यों क्यों मैं उसे इतना घबरा रही हूँ। मैंने अपने दिल को थोड़ी तसल्ली दी और फिर मैं कमरे से बाहर निकल गई। शिवम भी घर से बाहर निकल चुका था। मैंने हिम्मत की और घर के सारे कामों में लग गई। अब घर में जब दो ही लोग हो तो क्या ही काम होगा। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने अपने अतीत की बात को याद किया और सोचा कि मेरे पिता सही कहते थे, जहां सिर्फ दो लड़के हो उस घर में कभी भी अपनी बेटी को नहीं देना चाहिए। लेकिन मेरी मम्मी ने एक नहीं मानी थी और मेरी शादी यहाँ पे करा दी थी। अब मुझे अपने पापा की वो बात बहुत ज़्यादा याद आ जाती है। काश पापा की इस बात को उस वक्त किसी ने समझ लिया होता तो आज हालत बिल्कुल अलग होती। मेरी शादी जब मोहन से हुई थी तो वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे और अब तक रखते आए थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, घर के हालात को देखते हुए उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से वो पहली वाली नौकरी छोड़ चुके थे। और जब उन्होंने जब दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली तो ज्वाइन करे कुछ ही दिन हुए थे और उन्हें शहर से बाहर जाना पड़ा। लेकिन वो जब शुरू शुरू में शहर से बाहर जाते थे तो वह जल्दी ही घर वापस आ जाते थे। वह हर रात को वापस आ जाते थे, लेकिन इस बार उनको ज़्यादा दिनों के लिए ही जाना था, इसीलिए मुझे कुछ डर सा लगने लगा। पहले तो मैंने उनसे यही कहा कि जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि जाना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी पक्की नौकरी तो नहीं जिसके लिए मैं उन्हें मना कर सकूं, इसीलिए मुझे हर हाल में जाना पड़ेगा। मैं क्या कर सकती थी, अब तो मम्मी भी इस दुनिया में नहीं थी जो मैं उनको अपने पास बुला लूँ। भाभी और बहनें सब अपने अपने घरों में बिजी थी, अब मैं किसको अपने पास बुलाती। इसीलिए मैं चुप करके अपने पति का इंतजार करने लगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो कुछ दिन शहर से बाहर गुजारेंगे तो मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। एक दिन अपने देवर को स्कूल छोड़ने गई तो वहीं पे खड़ा हुआ था हर्ष और मुझे देखता रह गया। यह बात मेरे देवर ने नोट कर ली थी। वो जल्दी से स्कूल के अंदर गई क्योंकि आज मेरे देवर स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। अब बेचारी मेरी सास वहीं की वहीं फूलने लगी, इसीलिए मैं उसकी माँ की सूरत में उसके स्कूल वालों से मिलने के लिए चली गई थी। जैसे ही मैं मीटिंग रूम के अंदर गई, वो मेरे बिल्कुल सामने बैठा हुआ था। उसकी नज़र मुझ पे ही पड़ी तो वो जल्दी से खड़ा हो गया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट तो वही थी जो कुछ साल पहले थी, सब कुछ वैसा ही था जो बिल्कुल भी नहीं बदला था, सिवाय उसके अब उसके चेहरे पे थोड़ी उदासी छाई हुई थी, वो बचपन नहीं था। मैंने जल्दी से चेहरे नीचे कर लिए, लेकिन शायद देर हो चुकी थी। वो पता नहीं कितनी देर तक मुझे ऐसे ही देखता रहा। तभी शिवम ने उसे सर कहकर उसका ध्यान मेरी तरफ से हटाया। उसने बोला, सर ये मेरी भाभी है, शिवम ने मेरा इंट्रो करवाया था। थोड़ा होश में आया और बहुत इज्जत के साथ मुझसे बात करने लगा। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, पता नहीं क्यों मैं फिर से अपने अतीत में जा चुकी थी। शिवम ने उसकी नज़रों से पता नहीं क्या क्या समझ लिया था। मैंने बस थोड़ी बहुत बात की और फिर शिवम ने कहा कि अब घर चलो, घर में काफ़ी काम है। लेकिन पता नहीं कब उसके सर ने हमारे लिए खाने पीने का सामान मंगवा लिया। शिवम खाता जा रहा था और कहता जा रहा था, वो भाभी आप मेरे साथ रोज़ आ जाया करे, सर ने तो आज बहुत मौजे करवा दी। मैंने हिम्मत करके सिर्फ दो निवाले ही लिए और फिर उठकर बाहर आ गई। शिवम काफ़ी देर तक बाहर आया, उसने पहले उसका वही सर ने पीछे से आ गया। मैं तो खुद को पहले ही बचाती हुई आ रही थी। मैंने जल्दी से ऑटो में बैठकर शिवम को इशारा किया जो अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। हम लोग घर वापस आ गए। घबराहट की वजह से
मुझे सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। शिवम घर आ गया और कहने लगा, अच्छा तो भाभी क्या चक्कर था इस बात का? मैंने उससे कहा कि क्या बात है शिवम, किस बारे में बात कर रहे हो? तो उसने कहा, अरे मैं तो सर हर्ष के बारे में बात कर रहा हूँ, कितने अच्छे हैं ना, आप जानती हैं उन्हें पहले से? मैंने कहा, नहीं मैं तो उन्हें नहीं जानती, उनको मेरा तो उनसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा अच्छा भाभी रिलैक्स, इतनी क्यों ज़्यादा घबरा रही है? मैंने कहा, मैं तुम्हारे भाई की वजह से परेशान हूँ, पता नहीं कब वापस आएंगे, मैंने बहुत फिक्र से कहा और हाथ में पड़े ग्लास की थरथराहट की वजह से महसूस हो रहा था। बात यह करने के बाद वो मुझ पर ताने कसते हुए हंसा और कहने लगा, भाई यहाँ नहीं है तो क्या बात, सर हर्ष तो है ना? उसने ऐसा इसीलिए कहा ताकि मैं समझ सकूं कि वो हर बात जान चुका है। मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए कि भगवान के लिए किसी को कुछ मत बताना। वो मुझसे कहने लगा, यह तो मुझ पे है ना कि मैं इस राज को कब तक अपने दिमाग में रखता हूँ, लेकिन भाभी आपको देख के लगता नहीं है कि आप इस कदर, मैं तो आपको बहुत सीधी सादी समझता था और आप लगती भी कुछ ऐसी ही हैं, लेकिन आपके कैसे कैसे गुल अपने जमाने में खिलाए हुए हैं, आप देखें कैसे पर्दा उठ रहे हैं और कैसे भेद खुल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप मेरा एक काम कर देंगे तो मैं यह राज किसी को भी नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी और इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी कि मैंने उनकी सारे शर्तें मानने के लिए हामी भर दी। मैंने उससे कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो यही था कि वो मुझसे पैसे मांगेगा या कोई कीमती चीज़, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन थी कि शिवम तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगी। मेरे जुड़े हुए हाथों की तरफ देखो, भगवान के लिए किसी को कुछ मत बताना। शिवम ने कहा, जी मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन इस शर्त को पूरा होने के बाद, और वो शर्त मैं आपको परसों ही बताऊंगा। मैंने कहा, आज ही बता दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस काम से और ज़्यादा देर हो। अरे भाभी मैं आप एक बहुत ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, परसों तुम्हें ज़रूर बता दूंगा, कल आप इतनी बेचैन ना हो। यह कहकर वह बाहर चला गया और मुझे पूरी रात के लिए टेंशन में छोड़ गया। खैर मैंने हिम्मत की और अपने काम के लिए इसी पल मोहन की कॉल आ गई। मेरा जिस्म बहुत बुरे तरीके से कांपने लगा, मुझे लगा शायद शिवम ने उसे सब कुछ बता दिया। बहुत देर रिंग बजने के बाद मैंने उसकी कॉल नहीं उठाई और वह बोल बोलकर खुद ही बंद हो गया। शिवम पूरा दिन बाहर घूमने फिरने के बाद घर वापस आया तो मैं उसका इंतजार ही कर रही थी। वह मुझसे कहने लगा, भाभी शर्तों में मैं आपको परसों ही बताऊंगा, और मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खा लिया है, इसीलिए आप जाकर अपने कमरे में सो जाएं, भाई कल या परसों आ जाएंगे। वह इस तरह एक्सप्रेशन से कह रहा था कि मैं उसकी उम्र और उसके स्वभाव का अंदाजा करने लगी। मैं अपने कमरे में चली गई और रात भर टेंशन में ही रही, ना मैंने ढंग से काम की सकी और ना ही खा पी सकी। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि साथ वाले कमरे में कोई बात कर रहा है। हमारे घर में सारे कमरे ऐसे ही थे बराबर बराबर, मुझे आवाज़ पहले से और ज़्यादा आने लगी, तो मैंने अपने कमरे की दीवार के सुराख में से बातें सुनने की कोशिश की। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि साथ वाले कमरे में मेरा देवर एक औरत के साथ चिपके बैठा हुआ था। वो औरत उसके बहुत ज़्यादा करीब थी और वो उसके कान में बार बार कोई बात कह रही थी। यह सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा।
पहले तो मेरा दिल किया कि अभी जाकर इसका हाथ पकड़कर इसके मुंह पे इतने थप्पड़ मारूं कि गिन ना सके, लेकिन फिर अगले ही पल मुझे सोच परेशान करने लगी, शिवम बहुत ज्यादा चालाक है, ये ना हो कि मेरे जाने से पहले ही इस औरत को इधर उधर छुपा दे और फिर अपने किए को माने कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं करा। इसीलिए मैंने 2 दिन इंतजार करने का सोचा कि मैंने अगर दोबारा इस हालत में देखा तो फिर मैं इसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। खैर बहुत ही मुश्किलों से ये रात गुजरी। कल गुड फ्राइडे था इसीलिए उसको स्कूल नहीं जाना था, उसके स्कूल की छुट्टी थी, इसीलिए मैं भी बेफिक्री से सोई रही। लेकिन जैसे ही मुझे याद आया तो मैंने जल्दी से उठी और जाकर शिवम को जगाया। वो हड़बड़ाकर उठ गया और कहने लगा कि भाभी कम से कम छुट्टी वाले दिन तो मुझे आराम से सोने दिया करे। वो भी मैं कर रही थी कि मैं गरम गरम नाश्ता बनाने जा रही हूँ, तुम भी खा लो। वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा, फिर भी मुझसे बिना कुछ कहे ही मेरे पीछे पीछे किचन में आ गया। वहाँ स्टूल पे बैठा और साथ ही जमाई के ऊपर जमाई लेने लगा। मैंने उससे कहा कि क्या बात है, रात भर सोए नहीं हो क्या? मैंने एक नॉर्मल से बात की, लेकिन वो मेरी बात का गलत मतलब ले गया और कहने लगा, भाभी रात को जागना तो आपका काम है, किसी की यादों में मैं भला मासूम सा बच्चा क्या करूंगा रात को जाग के। मैं इसके इस बात पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई थी, फिर और कोई बात ना कर सकी। वो बहुत मज़े से नाश्ता करने लगा और जब पेट भर गया तो मुझसे कहने लगा, भाभी मेरी बात सुनने आप यूं ही ना डर जाया करें, बहुत अच्छी हैं आप और मेरी शर्त सुन लीजिए। मैं एक शर्त पे भाई को यह बात नहीं बताऊंगा, अगर आप मेरी बात मान लेंगी और इसके बाद शिवम ने मुझे जो कुछ भी कहा वह सुनने की हिम्मत कहाँ से लाई, मैंने किस तरह से वो बात सुनी और किस तरह से वो बात सह सकी यह तो मेरा भगवान ही जानता है। मैंने कहा, शिवम तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई? यह बात कहते हुए आंसू मेरे आंखों से तेजी से बह रहे थे। मैं लगातार उसको देखी जा रही थी, शायद वह अपनी कही बात में शर्मिंदा हो जाए, यह समझने के काबिल हो जाए कि ये मेरी भाभी ही नहीं यह तो मेरी माँ समान है। मैंने उसे माँ जैसा ही सलूक किया, लेकिन कभी देवर भी भाभी जैसे रिश्ते को समझ सके? क्या वो कभी भी नहीं समझते कि इस घटिया इंसान ने इतनी कम उम्र में इतनी घटिया बात कर दी? मैंने उससे कहा, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? उसने कहा कि हाँ मुझे अंदाजा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ जो आप सुन रही हैं। अगर आपने मेरी बात पे गौर नहीं किया तो आप इसकी जिम्मेदार खुद होंगी। यह तो बिल्कुल वही बात हुई कि आगे कुआं और पीछे खाई, अगर मैं इसकी बात मानती तो भी मैं फंसती हूँ और अगर मैं मान लेती भी हूँ तो भी मैं मरती हूँ। इसीलिए बहुत सोचने समझने के बाद मैंने यह सोच लिया कि ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। बेशुमार आंसू मेरी आंखों से बहते गए, मेरे गालों पे निकले और मैं यही कह रही थी कि भगवान मेरी मदद कर दे, मैं क्या करूँ। मैं वहीं किचन के स्टूल पे बैठ गई, आखिर मैं यह शर्त कैसे मानूँ, मैं क्या करूँ, मैं सोच ही रही थी लेकिन इनमें कुछ समझ नहीं सकी और फिर मेरा खाना भी जल गया और ना मैंने नाश्ता कर सकी और ना ही कुछ, और मैं बस वहीं किचन में बैठी रोती रही। शिवम कहीं बाहर जा चुका था, मेरे दिल से इसके लिए नफरत ही निकल रही थी कि इतना सा लड़का मेरे दिन रात चैन सुकून का कितना बड़ा दुश्मन बन चुका है, भगवान इसे अक्ल दे। अभी से बाहर गए हुए कुछ ही देर हुई थी कि वह वापस आ गया और आकर कहने लगा, भाभी आपने क्या सोचा है? मैंने कहा, शिवम ये सब तुम क्या कह रहे हो, किस बात का बदला तुम मुझसे ले रहे हो? भाभी जी आखिर किस बात का बदला मुझे तुमसे लेना है, अब तो मेरी माँ जैसी हैं और फिर भला
अपनी माँ को कौन तंग करता है। इसके एक एक बात से सैतानियाँ झलक रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसके मुंह नोच कर रख दूं, इसके गालों पे इतने थप्पड़ मारूं कि ये सब होश आ जाए। कहने लगा, भाभी जी आज रात को तैयार रहना, मैं आपका इंतजार करूंगा। भगवान मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही थी, मैं तो दुआ ही कर रही थी कि भगवान दिन को और बढ़ा कर दे, रात कभी ना हो, क्योंकि मैं इस रात ने तो मेरे मुँह पे कालिक ही मल देनी है, क्योंकि इस कलंक की स्याही से कुछ नहीं तो मेरे दिन के उजालों पे अंधेरा छा जाएगा। मैं चुपचाप बैठी रही, मैंने देखा दिल ढलने लगा है, मतलब कि रात होने में कुछ ही देर बाकी है, मतलब कि मुझे मौत आने में कुछ ही देर बाकी है। देखते ही देखते रात के 9 बज गए और मैं खाना बनाने लगी और खाना बनाकर मैं नहा धोकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। मैं अभी प्रार्थना करने खड़ी ही हुई थी कि दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक होने लगी। इसीलिए मैंने दरवाजे पे होने वाली दस्तक की परवाह किए बिना ही पूजा को चालू रखा। दस्तक अब तक हो ही रही थी, लेकिन मैं इस पाप से बचने के लिए भगवान के सामने ही खड़ी रहना चाहती थी। अब दरवाजे पे होने वाली दस्तक रुक चुकी थी और मैं पूजा भी मेरी खत्म हो चुकी थी। तभी मुझे बाहर वाला दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं तेजी से उठी और मैंने अपने कमरे की कुंडी लगा दी। दरवाजे पे शिवम ही था, उसके पास घर की डुप्लीकेट चाबी होती थी, इसीलिए वो घर में आ चुका था। उसने मेरे दरवाजे पे खूब खटखटाया, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। बस उसकी आवाज आई कि भाभी आप अपने लिए खुद ही मुसीबत इकट्ठा कर रही हैं, आपको अपना खुद एहसास नहीं है तो कोई आपका एहसास किस तरह से करेगा। वो काफी देर तक दरवाजे पे खड़ा होकर बोल बोल कर चला गया, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि आज रात मैं भी दरवाजा नहीं खोलूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए देख लूंगी। पूरी रात मैंने सुकून से सोकर गुजारी और फिर सुबह उठते ही मैं किचन में गई और मैंने शिवम से कहा कि आज तुम खुद ही स्कूल चले जाया करो, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम होते हैं। वह मेरे मुंह की तरफ देख रहा था, उसने मुझसे एक भी शब्द नहीं कहा। साथ में उसने अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकल गया, लेकिन मैं कुछ ही देर के बाद रास्ता बदलकर उसके पीछे चली गई, क्योंकि मैं भी देखना चाहती थी कि यह किन कामों में पड़ा हुआ है और उसकी जान पहचान किन लोगों के साथ है, क्योंकि उसकी जितनी उम्र थी उससे तो बहुत बहुत बड़ा काम वो कर रहा था। मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी, उसको पता नहीं था कि मैं उसके पीछे आ रही हूँ और मैं रास्तों को बदल बदल कर चल रही थी। मैं उसके स्कूल पहुंची तो मैंने गार्ड से पूछा कि शिवम स्कूल पहुंच गया है, तो मुझसे कहने लगा कि हाँ वो तो स्कूल पहुंच गया है। मैं कुछ मुतमईन सी होकर घर की तरफ लौट आई। मैं घर की तरफ जब लौट रही थी तो हर्ष मुझे रास्ते में मिले और मुझसे कहने लगे, तुमने मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों किया। वो मुझसे गुस्से में था और मेरी तरफ लगातार देख रहा था। मैंने पहले तो तेज तेज चलना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसे लगातार अपने पीछे आते हुए देखा तो मैं एक जगह रुक गई और मैंने उससे कहा कि अगर अतीत नहीं भुलाया जाता तो उस वक्त तुम्हें गायब नहीं होना था। अब जब मैं अपने घर में बहुत ज्यादा खुश हूँ तो तुम मुझसे यह सब बातें क्यों करवाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये सब करने से मैं अतीत में चली जाऊंगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारी भूल है, मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ। मैं उसे जल्दी से सुनाकर और तेजी से चलती हुई अपनी घर की तरफ आ गई और घर में आने से मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी।
दरवाजे पे लगा ताला अब दरवाजे पे नहीं था। मैं घर में गई तो मुझे यह देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि घर में मोहन आ खड़े थे, लेकिन वो हमेशा की तरह मुस्कुरा नहीं रहे थे, वे थके हुए थे। लेकिन मैं एकदम से जाकर उनके सीने लग गई। वो जल्दी मुझे एक तरफ करके कमरे में चले गए। मैं उनके इस व्यवहार से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अचानक क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है, मैं एकदम से मेरे दिमाग में आया कि शिवम ने शायद इन्हें कुछ गलत बात बता दिया हो। वे नहाकर जब बाहर निकले तो मैंने उनसे कहा कि मैं नाश्ता बना चुकी हूँ, आ जाओ कर लो। तो उन्होंने बहुत ठंडे लहजे में जवाब दिया कि मैं नाश्ता करके आया हूँ। मैंने उनके करीब जाकर पूछा कि मोहन कुछ हुआ है क्या, तो वो मुझसे कहने लगे कि नहीं अभी तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द बहुत कुछ होने वाला है, तुम जाओ मौज करो। मैं टिप टिप रोने लगी और यह सोचने लगी कि भगवान किसी भी तरह मेरे अतीत से मेरा पीछा छुड़वाने में मेरी मदद करे। मैं नहीं जानती थी कि मेरे कौन कौन से पाप इतने ज़्यादा हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसी सजा मिल रही है। शिवम ने आने पे मोहन का मूड बिल्कुल ठीक था और वो हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मेरा दिल में मन में बहुत ज़्यादा नफरत आ चुकी थी कि यह लड़का मेरे लिए बहुत बड़ा बवाल बन चुका था। मोहन ने मुझसे कहा कि अब मैं आ गया हूँ तो तुम कुछ दिन अपने मायके चली जाओ, तुम अपनी मम्मी के यहाँ होकर आओ। लेकिन मैं क्यों जाऊं, अभी तो आप घर पे वापस आए हैं, मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था कि तभी शाम को मेरे घर से कॉल आ गई, छोटी भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए मुझे जल्दी से वहाँ जाना होगा। मोहन मुझे वहीं मम्मी की तरफ घर पे छोड़ के बाहर उतर गए और वापस चले आए। लेकिन मैं जैसे ही घर में गई तो सामने बैठे इंसान के ऊपर जब मेरी नज़र पड़ी तो मेरी तो सांसें रुक गई। सामने सोफे पे हर्ष बैठे हुए थे, उसने मुझे नहीं देखा था, इसीलिए मैं जल्दी से दौड़ती हुई भाभी के कमरे में आ गई, जहाँ पर भाभी बिल्कुल ठीक बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। यह क्या भाभी, जब आप बिल्कुल ठीक हैं तो आपने ऐसा मजाक करके मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे यहाँ और तो सब सही है, जो बाहर आदमी बैठा है मेरी बहन के रिश्ते के लिए आया है, मैंने इसे यहीं पे बुला लिया ताकि तुम्हारे भाई से खुलकर मिलने और साथ में एक दूसरे से बातें कर ले, क्योंकि उसके माता पिता नहीं है और इसे जो कुछ करना है खुद ही करना है, भाभी बहुत ही ज़्यादा खुश होकर बता रही थी। मैं उनके मुंह की तरफ देख रही थी। अगर आपको इससे रिश्ता करना है तो मुझे झूठ बोलकर यहाँ बुलाने का क्या मकसद बनता है? मैं सच में भाभी से नाराज हो चुकी थी, इसीलिए कोई बात भी नहीं कर रही थी। वो मुझे मनाने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं एक तरफ मुंह बनाकर बैठ गई। कुछ देर बाद ही भाई ने हम सबको कहा कि खाना लगाओ। मैं ना चाहते हुए भी खाना लगाया और इस पे मुसीबत की मुझे वो खाना वहाँ उसके साथ बैठकर खाना भी पड़ा। हर्ष की नज़रें लगातार मुझे ही देख रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अभी हम खाना खा ही रहे थे कि शिवम और मोहन दोनों ही यहाँ पे आ गए। वह यह सब बड़ी पार्टी हो रही थी, वो भी हमारे बिना। शिवम ने आते ही पनीर उठाया और उसने खाते हुए ऊंची आवाज में कहा, जब ये दोनों आए तब हर्ष वॉशरूम चले गए थे, लेकिन शिवम उनको देख चुका था और लगातार इंतजार में था, लेकिन हर्ष जा चुका था, उसे कुछ जरूरी काम था। मोहन और शिवम को भी भाई ने ही बुलाया था, वो आज सबको सरप्राइज दे रहे थे। मेरी तो जान पे बन आई थी, शिवम और मोहन जा चुके थे और मोहन मुझसे कहकर गए थे कि मैं अभी कुछ दिन यहीं पे हूँ, मैं अगले कुछ दिनों तक यहीं पे रहूँगा
और भाभी के साथ जाकर शॉपिंग करती रही। भाभी की हर बात हर्ष से शुरू होती और जाकर हर्ष पे ही खत्म होती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश थी और साथ में वो तारीफें भी करती रहती। एक दिन हम सब शॉपिंग कर रहे थे तो भाभी को याद आया कि इस साड़ी की मैचिंग का ब्लाउज तो वह दुकान पे ही छोड़कर आई है। मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान था, इसीलिए मैं वहीं पे एक साइड में सारा सामान लेकर बैठ गई और भाभी से कहा कि आप जाएं और सारा सामान उठाकर ले आएं। भाभी चली गई और मैं वहीं पे एक तरफ होकर बैठ गई। तभी मुझे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ तो वो हर्ष ही था। मैंने उससे कहा कि तुम लगातार मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो मुझसे? तो कहने लगा, मैं तुम्हारे पीछे क्यों आऊँगा? वो कहने लगा, तुमने क्यों अपने आप को ऐसे डर में बंद कर लिया है, जहाँ आसपास तुम्हारे सिर्फ परेशानियाँ ही हैं। वह मुझे बहुत हैरत से यह सवाल पूछ रहा था। न जाने कब से रुके हुए आंसू मेरे उसके यह पूछने पे झलक पड़े। वो आगे बढ़ा और मुझे टिश्यू पेपर दिया। मुझे पता नहीं कि मैंने किस अंदाज से वो टिश्यू पकड़ा और फिर मैंने उसे अपने आंसू साफ किए। कुछ ही देर में भाभी आ गई और मुझे नहीं पता उन्होंने देखा या नहीं देखा, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ सवाल नहीं किया। वो चुपचाप होकर मेरी तरफ देखती रही। मेरी सूजी हुई नाक और आंखों में उन्हें बहुत कुछ बता रही थी। भाभी ने मुझसे बहुत प्यार से पूछा कि क्या हुआ। मैंने बहुत शांति से जवाब दिया कि मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। उन्होंने मुझे गले से लगाया और अपने साथ लेकर घर चली गई। पूरी शॉपिंग करने के बाद हम लोग घर गए, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। जब हम लोग घर पहुंचे तो भाई बहुत ऊंची आवाज में बात करने की आ रही थी, जैसे ही वो किसी से लड़ाई कर रहे थे। जब हम लोग एकदम अंदर गए तो अंदर मोहन बैठे हुए थे और वो मेरे ही बारे में कुछ उल्टा सीधा कह रहे थे कि मैं कोई आवारा लड़की हूँ जो मॉल से रेस्टोरेंट में लड़कों से मिलती रहती हूँ। भाई से यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और वो मेरी तरफ बढ़े और पूछने लगे कि यह सब क्या है बच्चा? भाई हमेशा मुझे बच्चा कहकर ही बुलाते थे। अरे ये क्या बताएगी, हमारी तो किस्मत ही खराब थी जो हमने इसे अपने घर पे जगह दी। बस इसे यही रखे अब अपने घर में, मेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैंने एकदम से मोहन की बात सुनी तो मैंने भाई से कहा, अभी इसी वक्त आप हर्ष और शिवम को फोन करके बुलाएं। भाई ने एकदम कॉल करके दोनों को यहाँ बुलाया और वो कुछ ही देर में यहाँ आ गए। जैसे ही घर में हर्ष आए तो उनकी नज़र मोहन पे पड़ी। जब मोहन ने हर्ष को देखा तो दोनों के आंखों से एकदम आंसू झलक पड़े। मोहन आगे बढ़े और हर्ष को गले से लगा लिया। ये तो मेरा भाई है जो कुछ सालों पहले कहीं गायब हो गया था और अब यह यहाँ से एकदम, यह सब क्या है? दोनों भाई अतीत में चले गए जहाँ उन्हें एकदम से सब कुछ याद आने लगा। वे कहने लगे कि जब मम्मी का देहांत हुआ था तब मैं उस वक्त आर्मी ज्वाइन कर चुका था और आर्मी वालों की नौकरी ऐसी होती है कि कभी यहाँ तो कभी वहाँ, और जब एक दिन मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई तो मुझे बॉर्डर के बिल्कुल पास तैनात कर दिया गया। वहाँ अलर्ट का निशान तो लगा हुआ था लेकिन मुझे रात के अंधेरे में पता नहीं लगा। आज फिर मैंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया और फिर मैं दूसरे मुल्क की कैद में जा पड़ा। फिर मैं वहाँ पे 5 साल तक रहा। वहाँ के 5 साल मेरे लिए 500 साल के बराबर है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुरी कैदे थे, रोज़ जुल्म होते थे। और फिर मैंने अपनी चेन उतारकर एक दोस्त को दे दी। अगर मैं यहाँ मर गया तो यह चेन मेरे देश मेरे मम्मी पापा के पास पहुँचा देना। और मुश्किल यह थी कि मुझसे पहले वही मर गया, बस अखबार में उसको दे दिया गया और उसमें उसकी चेन को बहुत जूम करके दिखाया गया। मेरे घर वाले जब यह खबर पढ़ी तो रो पीट कर मुझे
यह सब्र करके बैठ गए कि हमारा चाचा ताऊ तो बहुत खुश थे कि चलो एक बेटा तो गया, अब सारी जायदाद के वारिस हम सब खुद ही होंगे। इसीलिए वहाँ मेरा एकदम से सबके सामने आ जाना खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए मैं किसी के सामने नहीं आया। लेकिन मेरे पापा ने वहीं बॉर्डर के पास डेरा लगा लिया क्योंकि वह समझते थे कि मैं जिंदा हूँ, और एक दिन उनकी दुआएं ने मुझे जिंदा रखा। उनकी कैद से जब मैं निकला तो मेरे पिता बॉर्डर के पास एक झुग्गी में रहते थे, उनका हुलिया अभी तक ऐसा ही था। मैं इतने टाइम बाद उनको एक नज़र में पहचान सकता था। जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनको अपने साथ ही घर लेकर आ गया। अब इतने साल जेल में रहने के बाद और इतना जुल्म सहने के बाद कुछ तो असर होता ही है ना। मैं अपने घर का पता पूरी तरीके से भूल चुका था और पापा की भी, बुढ़ापे की वजह से और सदमे की वजह से याददाश्त कम हो गई थी। फिर मैं भटकते हुए वापस अपने शहर में आ गया जहाँ मैंने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। वहाँ मैंने एक दिन शिवम को देखा क्योंकि मेरे कैद से के दौरान बहुत ज़्यादा छोटा था, लेकिन इसके गाल पे यह लाल निशान इनकी निशानी बन गया था और मैंने पहचान लिया। और फिर मैंने खूब दोस्ती की और मैंने ये सब कुछ बता दिया। उसने मुझसे कहा कि यह मुझे हर सूरत में अपने साथ घर लेकर जाएगा। फिर एक दिन मैंने भाभी को देखा तो मुझे कॉलेज का वक्त याद आ गया जब हम एक दूसरे को पसंद करते थे। शिवम कहने लगा कि यही आपको अपने साथ लेकर घर जा सकती है। और फिर मैंने मेल मिलाप बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पुरानी बातों की वजह से इस औरत ने मुझे जरा भी भाव नहीं दिया, बल्कि इसने हमेशा ही मुझे बहुत सख्त और तंग लहजे में बात की। और फिर इसने शिवम की भी कोई बात नहीं मानी। पापा जी मेरे साथ ही हैं, एकदम से पिछले कमरे से बहुत ज़्यादा बूढ़े आदमी निकले और आते ही अपने तीनों बेटे को और मुझे गले से लगा लिया। अब हम सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन शिवम की खुशी तो दुगुनी थी क्योंकि वह सबसे छोटा होने की वजह से सबसे ज़्यादा अपनी माँ को मिस करता था। लेकिन उसे माँ तो नहीं मिल सकी, लेकिन इतने सालों बाद उसके पापा उसे मिल गए थे। अब हम सब के चेहरे पे खिले हुए थे, हम सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। मोहन ने सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने भी उनको दिल से माफ़ कर दिया था। मिले, आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।